के मोहाली तहसील में आने वाले करडी जिला परिषद शाला हाई स्कूल तथा कनिष्ठ महाविद्यालय में 21 में से 12 पद खाली होने के कारण वहां अध्ययनरत विद्यार्थियों की पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। पद रिक्त होने के कारण कामकाज पर भी असर पड़ रहा है। सिर्फ 9 लोगों के टीम लेकर महाविद्यालय का कामकाज कैसे चलाया जाएगा, इससे लेकर महाविद्यालय प्रशासन बहुत परेशान है। जिला परिषद सदस्य नीलिमा इमले ने इस बारे में कई बार संबंधित विभाग का ध्यान आकर्षण किया है, लेकिन इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया। शिक्षकों की संख्या बहुत कम होने के बावजूद भी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं किए जाने से महाविद्यालय प्रशासन पर नाराजगी व्यक्त की जा रही है। यहाँ पढ़ने आने वाले विद्यार्थियों के परिजन बार बार महाविद्यालय प्रशासन से यही पूछ रहे हैं कि रिक्त पदों पर भर्ती कब जाएगी। ठेके पद्धति पर काम निकलने की नीति की वजह से रिक्त पदों पर भर्ती नहीं की जा रही है, ऐसे आरोप भी महाविद्यालय प्रशासन पर लगाए जा रहे हैं। जिला परिषद हाई स्कूल कनिष्ठ महाविद्यालय में 5वीं से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। यहाँ पर करडी नीलज खुर्द मुंडरी खुर्द मुंडरी भुज बोरी मोहगांव नीलज भुज मोहगांव नवे गांव दौड़ीपार आदि गांव के विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते हैं। विज्ञान तथा कला कनिष्ठ महाविद्यालय में पढ़ने वालों की संख्या अच्छी खासी है। इस विद्यालय के कला शाखा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की तुलना में शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। कला शाखा में 3 पदों में से 2 पद रिक्त है। केवल एक ही शिक्षक के भरोसे कला विभाग का अध्ययन कार्य किया जा रहा है। दूसरी ओर विज्ञान शाखा में तो हालत यह है कि यहाँ एक भी शिक्षक स्थायी नहीं है। ठेका पद्धति के शिक्षकों को काम पर लगाया गया है। कक्षा 9वीं तथा 10वीं के लिए मंजूर किए गए पदों की संख्या 5 है, लेकिन नियुक्ति केवल 2 की ही हुई है। 3 रिक्त पदे हैं। इन पदों पर नियुक्ति कब होगी, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना ताजा खबरों के लिए यूट्यूब चैनल वेबसाइट फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर लाइक शेयर और कमेंट करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूले। गूगल प्ले स्टोर से बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ऐप को डाउनलोड कर रोजाना ताजा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहे।